हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नवाबी सेवैयाँ बहुत ही आसान तरीके से। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। नवाबी सेवैयाँ बनाने के लिए मैंने एक पैकेट पतली वाली सेवैयाँ ली है, इसको तोड़ लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे इसको। मैं इसको अभी छोटे टुकड़े कर लूँगी, नहीं तो कढ़ाई में दिक्कत होगी इसको भुनने में। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें घी डाल दूंगी। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट फ्राई कर लूंगी। मैंने लिया है पिस्ता और बादाम और किशमिश, काट लिया है मैंने इसको। अब इसको धीमी आंच पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकाल लूंगी मैं। कढ़ाई में से मैंने निकाल लिया सारे ड्राई फ्रूट को। अब इसी घी में सेवैयाँ को भी थोड़ा सा भुनेंगे। हल्की भुनी हुई है पहले से, लेकिन इसको भुनना ज़रूरी है। मीडियम आंच पर भून लेंगे सेवैयाँ को। सारी सेवैयाँ अच्छे से भुन चुकी है, अब इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लिया है मैंने। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालूंगी, आधा कटोरी करीब। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, 50 ग्राम के जितनी। अब इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे। अब इस पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे। सारी चीनी पिघल चुकी है, अच्छे से मिला लेंगे इसको। थोड़ी देर खोला लेंगे इसको। अब इसमें सेवैयाँ भी डाल देंगे। पानी हल्का सूख चुका है, अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे और 4 मिनट के लिए पकाएंगे इसको मीडियम आंच पर। 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। सेवैयाँ हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, पानी भी सूख चुका है इसका। ये देखिए सेवैयाँ तैयार है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। इसमें खोया डाल दूंगी थोड़ा सा, कद्दूकस किया हुआ। खोए को अच्छे से मिला दूंगी सेवैयाँ में। सेवैयाँ हमारी तैयार है, इसको सर्व कर लेंगे ठंडा होने के बाद। ये लीजिए नवाबी सेवैयाँ तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। ठंडा होने के बाद मैंने सर्व कर दिया है, कुछ ड्राई फ्रूट से सजा दिया है और थोड़ा सा खोया छिड़क दिया था इस पर। आप भी इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को फॉलो वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए कितनी खिली खिली सेवैयाँ बनी हैं, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई करिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलें।